हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विडेटर अकाउंट्स का एक सम देखते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर निराशा लिमिटेड वॉज टेकन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन 31 मार्च 2024 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया गया है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे देखो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिया है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले 1010% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, उसके बाद देखो चार टाइप्स के अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर है, ए इक्विटी शेयर, बी इक्विटी शेयर, सी इक्विटी शेयर एंड डी इक्विटी शेयर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी इक्विटी शेयर जो है उसका जो फेस वैल्यू है वो अलग अलग है। देखो ए इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप, बी इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 रुपीज ईच ₹40 पेड अप, सी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹4 पेड अप एंड डी इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच ₹4 पेड अप। तो सभी इक्विटी शेयर जो है यहाँ पर वो अलग अलग वैल्यू वाले हैं, तो ये इसलिए ये सम थोड़ा डिफरेंट बनता है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। नॉन करंट लायबिलिटीज में एक ही दिया है 8% डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो लायबिलिटी साइड पे इतना है, उसके बाद एसेट साइड पे टेंजिबल एसेट्स है, पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया है एंड कैश बैलेंस, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वर ₹2,680, रेम्यूनरेशन वॉज ₹9,320 विच इज 2% ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड 5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स। डिवेंचर होल्डर्स वर पेड ऑन 30 सितंबर 2024। प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स एंड शो योर कैलकुलेशन फॉर द अमाउंट ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स विद रिसीव पे एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। यानी हमें क्या करना है, लिक्विडेटर्स का फाइनल स्टेटमेंट रेडी करना है, सभी कैलकुलेशन भी दिखानी है एज अ पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, ऐसे ही नहीं बनाना है, सभी कैलकुलेशन भी हमें दिखानी है कि कौन से इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है, कौन सा इक्विटी शेयर होल्डर से कितना कॉल करना है वगैरह। ये जो सम है नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की एग्जाम नवम्बर 2024 में पूछा गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सम है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन के बारे में एक हिंट दिया है। देखो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है, ₹9,320 विच इज 2% ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब सम में कहीं पर भी एसेट्स का रियलाइजेशन के बारे में बोला नहीं है, बट ये जो हिंट दिया है उसके ऊपर से हमें एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू फाइंड करना होगा एंड 5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इस हिंट से हम इसका यूज करके हम एसेट्स का रियलाइजेशन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना दिया है, 9,320 विच इज 2% ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड 5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स। यानी दो हिस्सों में ये डिवाइड होता है। अब ये हमें पता नहीं है, बट अनसिक्योर क्रेडिटर्स कितने हैं वो हमें पता है। तो देखो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स का वैल्यू हमें पता है 84,000। ठीक है, 84,000 जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स है, तो 84,000 का कितना है 5%। 84,000 का 5% के हिसाब से हम गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ रहा है 4,200 रुपीज। ठीक है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। टोटल रेम्यूनरेशन कितना है, 9,320 रुपीज। अब 9,320 रुपीज टोटल रेम्यूनरेशन में
4,200 आपका किसके ऊपर है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे। तो बाकी का जो बचा ये किसके ऊपर होगा, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो 9,320 में से ये माइनस करेंगे, 9,320 माइनस 4,200, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाएगा 5,120 रुपीज़। ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन मिल गया आपको, दूसरा वाला, ठीक है। तो ये एसेट्स रियलाइजेशन पे मिल गया, ये अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे मिल गया। अब एसेट्स रियलाइज का रेम्यूनरेशन मिल गया तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, एसेट्स रियलाइजेशन का वैल्यू ढूंढेंगे। तो देखो, एसेट्स रियलाइजेशन पे लिक्विडेटर को कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, 2%, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं, अगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 2 रुपये है तो एसेट्स रियलाइजेशन कितने रुपये का होगा, 100 रुपीज, ठीक है, 2% के हिसाब से। तो अगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 5,120 रुपये है तो एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू कितना होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ रहा है 2,56,000 रुपीज एसेट्स का रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दिया नहीं था, हमने कैलकुलेट कर दिया। अब बारी आती है लिक्विडेटर के स्टेटमेंट की। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट साइड पे जाते हैं, इनकम साइड पे, सबसे पहले बैंक या कैश बैलेंस तो कितना है, 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स, ये सब में ऐसे कोई फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स थे नहीं, तो यहाँ पे नील आएगा। एसेट्स रियलाइज सब में दिया नहीं था, बट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। देखो एसेट्स रियलाइज कितना हुआ, 2,56,000, तो उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 2,56,000, ठीक है। तो एसेट्स रियलाइज भी लिख दिया, तो इनकम साइड पे, रिसिप्ट साइड पे सभी एंट्री हमने अभी कर ली। अब पेमेंट साइड पे जाते हैं, तो पेमेंट साइड पे सबसे पहले फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स कोई है नहीं, सब में दिए नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस सब में दिया है, देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2,680 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,680 रुपीज़। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना दिया है, 9,320 रुपये, तो ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने 9,320 रुपये। बट कैसे आया वो भी लिखना है, तो वो भी हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। ऑन एसेट्स रियलाइज एंड ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, दोनों पे। एसेट्स रियलाइज पे कितना है, 5,120, अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे कितना है, 4,200, दोनों मिला के इतना हो गया। तो इस तरह से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी आ गया। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सब में कोई दिए नहीं है, तो यहाँ पर भी नील आएगा। डिबेंचर होल्डर्स, देखो सब में डिबेंचर्स दिया है, 8% डिबेंचर्स 50,000, तो डिबेंचर्स का वैल्यू 50,000। करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया है 2,000, तो वो लिखेंगे। एडिशनल इंटरेस्ट है, तो एडिशनल इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना होता है, डिबेंचर्स वर होल्डर्स वर पेड ऑन 30 सितंबर, ये डेट दिया है, ठीक है। तो आपका बैलेंस शीट का जो डेट है 31 मार्च, तो अप टू मार्च से लेके सितंबर तक, यानी 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो एडिशनल इंटरेस्ट होगा। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है, 50%, कितने परसेंटेज के डिबेंचर, 50,000 है, 8% के, देखो यहाँ पर 8%, तो 50,000 इंटू 8% और 6 महीने,
2,000 रुपये एडिशनल होगा, यानी डिबेंचर होल्डर्स को टोटल 54,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स तो सब में दिए हैं 84,000, उनको इतना पे किया। ठीक है, अब जहाँ तक कैलकुलेशन अभी करते हैं, यहाँ से आगे अभी नहीं जाना है। अब हमारे पास कितना अमाउंट बचा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इनकम साइड का टोटल करते हैं। तो इनकम साइड पे कैश है और एसेट्स रियलाइज दोनों का टोटल करते हैं। टोटल इनकम 2,66,000 रुपीज़। टोटल एक्सपेंसेस अप टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स, यहाँ तक अनसिक्योर क्रेडिटर्स तक आपने कितना एक्सपेंसेस किया, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है, चार अलग अलग आपने पे किया, तो सबका टोटल करेंगे तो 1,50,000 आ रहा है। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंस लेस करेंगे 1,16,000 जो है आपका रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, 1,60,000 आपके पास अभी भी बचा है। अब उसमें से किसको पे करना होता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो सबसे पहले देख लेना है बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट कितना है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है, 1,00,000। ठीक है, तो 1,00,000 रुपये हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं। तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक लाख। ठीक है, तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से 1,00,000 और चला गया पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 1,16,000 में से 1,00,000 चला गया, कितना बचा, 16,000 रिमेनिंग अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आपके पास खाली इतना ही बचा है 16,000। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को टोटल पे कितना करना है, तो देखो आपके बैलेंस शीट में चार प्रकार के इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ए बी सी एंड डी। ए का 2,00,000, बी का 1,20,000, सी का 24,000, डी का 20,000। सभी मिला के आपको टोटल जो पे करना होता है चारों का टोटल 3,64,000 इतना अमाउंट चाहिए आपको सबको पे करने के लिए। बट आपके पास कितना है, 16,000 ही बचा है रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कैपिटल डेफिशिएंसी का अमाउंट मिलेगा 3,48,000, यानी इतना अमाउंट कम पड़ रहा है। अब ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी है वो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो लोग बुक देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या करेंगे, कैपिटल डेफिशिएंसी पर इक्विटी शेयर फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स से उनका जो फेस वैल्यू है वो अलग अलग है। ये ए का 100, बी का 50, सी का 10 और डी का 5 रुपीस है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, रेशियो ऑफ नॉमिनल कैपिटल फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो टोटल कितना है, ए का 2,00,000, 2,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़, यानी 2,00,000 आया। बी का पेड अप नहीं देखना है, टोटल देखना है। तो बी का कितना है, 3,000 इक्विटी शेयर 50 रुपीज़। 3,000 × 50 करेंगे तो 1,50,000। सी का 6,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़, तो 6,000 × 10 = 60,000। डी का 5,000 शेयर 5 रुपीज़, 5,000 × 5 = 25,000। तो ये आपका रेशियो बन गया। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालने के लिए क्या, 3,30 कॉमन है यहाँ पर, तो आपका रेशियो बन गया 200, 150, 60 और 25। ठीक है, इसको और कॉमन करेंगे तो क्या करेंगे, और छोटा करने के लिए कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकलेगा, 5 × 5 = 12, 5 × 5 = 30, 5 और 40 × 5 =
तो इस तरह से करेंगे तो आपका ये सम छोटा हो गया। तो पाँच पाँच तो सब में कॉमन है, तो आपका अब रेशियो क्या हो गया, 40, 30, 12 और 5। तो अब ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी का अमाउंट है 3,48,000, उसको इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में 40%, बी के हिस्से में 30, सी के में 12 और 5, इस तरह से हम बांटेंगे। तो ए इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से में कितना आएगा कैपिटल डेफिशिएंसी वो देखते हैं। तो ए के हिस्से में आ रहा है 1,60,000 रुपये, बी के हिस्से में आ रहा है 1,20,000 रुपये, सी के हिस्से में आ रहा है 48,000 एंड डी के हिस्से में आ रहा है 20,000। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है, कितना मंगवाना है वो देख लेते हैं। तो पेड अप कैपिटल में से कैपिटल डेफिशिएंसी माइनस करेंगे तो अमाउंट टू बी रिटर्न और कॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल ए का 2,00,000 है, 2,00,000 में से 1,60,000 डेफिशिएंसी है तो 40,000 उनको रिटर्न करना पड़ेगा। बी का पेड अप 1,20,000 है, डेफिशिएंसी भी इतना ही है तो 0, कुछ लेना भी नहीं है उनसे, उनको कुछ देना भी नहीं है। सी का 24,000 पेड अप है बट डेफिशिएंसी 48,000, यानी उनका माइनस आ रहा है 24,000, यानी उनसे मंगवाना पड़ेगा कॉल। और डी में पेड अप 20,000, डेफिशिएंसी 20,000, यानी उनको 0 पे करना है। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेज में जाते हैं हमारे सम के। इक्विटी शेयर होल्डर्स एज पर कैलकुलेशन, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है वो देखो। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को 40,000 पे करना है, बी को कुछ पे करना नहीं है, डी को भी कुछ पे करना नहीं है, बट सी से 24,000 कॉल करना है। तो सी इक्विटी शेयर होल्डर्स 24,000 कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट होता है। टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल जो है 2,90,000, इनकम साइड एंड एक्सपेंस साइड दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।